अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर थ्री के शॉर्ट क्वेश्चंस भी सॉल्व uh, कर चुके हैं हम आज हम चैप्टर नंबर थ्री के नुमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम नंबर थ्री पॉइंट थ्री है अप्रोटोन मूविंग विद स्पीड ऑफ वन इंटू टन पर सेवन मीटर पर सेकेंड पासिस थ्रू आज जीरो पॉइंट जीरो टू सेंटीमीटर थिक शीट ऑफ पेपर एंड इमर्ज विद द स्पीड ऑफ टू इंटू टेन डेज टू पास सिक्स मीटर पर सेकेंड एज्यूमिंग यूनिफॉर्म एक्सेन फाइन रिटार्डेशन एंड टाइम टेकन टू पास थ्रू देपर स्टूडेंट्स आपको एक प्रोटोन की स्पीड दे दी गई है इनिशियल फाइनल भी थिकनेस भी दे दी गई आपको और आपने फाइंड आउट करनी है रिटार तो आपको जो डाटा गिवन है वो आप लिख देंगे आ, गिवन डाटा दे दे में इनिशियल स्पीड डिस्टेंस कवर्ड जो शीट की थिकनेस है वो होगा डिस्टेंस कवर्ड फाइनल स्पीड देन रिटार्डेशन आपने फाइंड आउट करनी है एंड टोटल टाइम टेकन टू पास थ्रू पेपर तो टी आपने फाइंड आउट करना है दो चीजें आपको रिक्वायर्ड हैं तो स्टूडेंट्स आप कैलकुलेशन में क्या करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे टू ए एस इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर सब्सिट्यूटिंग द गि वैल्यूज वी है एक्सेलरेशन को आपने कांस्टेंट कंसीडर किया हुआ है अच्छा जी नेक्स्ट है आपके पास डिस्टेंस डिस्टेंस की वैल्यू पुट करें वी एफ स्क्वायर यानी फाइनल वेलोसिटी का आपने स्क्वायर कर दिया माइनस इनिशियल वेलोसिटी का आपने स्क्वायर कर दिया इनके स्क्वायर करके इन इनको सब्ट्रैक्ट करें इस साइड पे आपने क्या करना है इस टू को इसके साथ मल्टीप्लाई करके साथ एक्सेलेशन उसी तरह से आ रहा है देन आपने ये पूरा जब सॉल्व किया तो आपने क्या करना है टेन डेज टू बार ट्वेल्व इसमें से कॉमन ले लेना है अंदर क्या बचेगा फोर माइनस हंड्रेड तो फोर माइनस हंड्रेड होगा माइनस नाइन्टी सिक्स यानी माइनस नाइनटी सिक्स टू पार ट्वेल्व और ये वाला फैक्टर यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा चूंकि हमने एक्सेलेशन निकालना है तो इस फैक्टर को यहाँ लाके डिवाइड कर लिया ये डिवाइड हो गया तो आपके पास एक्सेलेशन की वैल्यू आ गई माइनस टू पॉइंट फोर इंटू टेन डेज टू पार सेवनटीन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अब चूंकि ये माइनस के साथ है तो इसका मतलब है एक्सेलेशन जो है वो डिक्रीज हो रहा है और डिक्रीजिंग एक्सेलेशन को आप बोलते हैं रिटार्डेशन तो ये आपने रिटार्डेशन फाइंड आउट कर ली नेक्स्ट आपने फाइंड करना है टाइम नाउ यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ माइन इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी अब आपके पास वी एफ भी है वी आई भी है ए भी है तो आप यहाँ पे टी फाइंड आउट कर सकते हैं सारी वैल्यूज को पुट करें वी एफ इज इक्वल टू वी आई माइनस की वैल्यू इन टू टाइम अब स्टूडेंट जो चीज़ आपने फाइंड आउट करनी है इस पूरे फैक्टर को इधर ले जाएं ये माइनस के साथ है तो ये हो जाएगा प्लस ये सारा उठा के इधर ले आए तो ये हो जाएगा माइनस इसको माइनस किया टेन रेस टू पार्ट सिक्स को कॉमन ले अंदर बचा टेन माइनस टू तो टेन माइनस टू हो गया एट इंटू टेन रेस टू पार्ट सिक्स ओवर दिस फैक्टर तो टाइम आपके पास आ जाएगा थ्री पॉइंट थ्री इंटू टेन रेस टू पार माइनस इलेवन सेकेंड तो ये आपने टाइम निकाल लिया कि प्रोटॉन को उस शीट को कवर करने के लिए इतना टाइम लगेगा अच्छा जी नेक्स्ट है हमारी प्रॉब्लम नंबर थ्री पॉइंट सिक्स अब प्लेस इज अ फायर क्रैकर ऑफ नैगलीजेबल मैस इन एन एम्पटी कैन ऑफ फोर्टी ग्राम मैस ही प्लग्स द एंड विद अ वुडन ब्लॉक ऑफ मैस टू हंड्रेड ग्राम आफ्टर इग्निटिंग द फायर क्रैकर ही थ्रोज द कैन स्ट्रेट अप इट एक्सप्लोर एट दाथ इफ द्लॉक शूट्स आउट विद द स्पीड ऑफ थ्री मीटर पर सेकेंड हाउ फास्ट विल दी कैन बी गोइंग अच्छा जी आपको मैस ऑफ कैन प्रोवाइड है दैट इज फोर्टी ग्राम एम वन होगा फोर्टी ग्राम सेकेंड है जी मैस ऑफ ब्लॉक टू हंड्रेड ग्राम तो वो हो जाएगा एम टू आपके पास आपको बिलोस्टिक इवन है ब्लॉक की तो इसका मतलब है सेकेंड मैच की वेलोसिटी है तो ये होगी वी टू थ्री मीटर पर सेकेंड और आपने फाइनल वेलोसिटी ऑफ कैन जो है वो निकालनी है यानी आपको वी वन चाहिए तो इनिशियली बोथ कैन एंड ब्लॉक आर एट रेस्ट हैंड्स देयर टोटल इनिशियल मोमेंटम क्या होगा जीरो चूंकि इनिशियली कैन और ब्लॉक दोनों रेस्ट पे थे तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा ज़ीरो होगा तो फाइनल मोमेंटम क्या होगा टोटल फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू अच्छा जी फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आपको पता है इनिशियल मोमेंटम जो है वो फाइनल मोमेंटम के इक्वल होता है तो फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम की वैल्यू जीरो पुट कर दें आप यहाँ से आप क्या करें एम वन वी वन को इधर रहने दें क्योंकि आपने वी वन निकालना है एम टू वी टू को इक्वेशन के दूसरी साइड पे ले जाए माइनस एम टू वी टू हो जाएगा तो यहाँ से वी वन इज इक्वल टू माइनस एम टू वी टू ओवर एम वन हो जाएगा सब्सिट्यूटिंग दी वैल्यू वी हैव वी वन इज इक्वल टू माइनस एम टू की वैल्यू है जी टू हंड्रेड इन टू टेन डेज टू पार माइनस थ्री वो पुट कर दिया आपने वेलोसिटी वी टू पुट की मैस एम वन आपने पुट किया तो आपके पास जो कैन की वेलोसिटी है वो आ जाएगी माइनस का फिफ्टीन मीटर पर सेकेंड द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द कैन विल शूट ऑफ इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन यानी कैन जो है वो ब्लॉक की ओपोजिट डायरेक्शन में शूट होगी एक डायरेक्शन में ब्लॉक चला जाएगा और दूसरी डायरेक्शन में कैन चली जाएगी 15 तो ये थी हमारी प्रॉब्लम नंबर सिक्स जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से रिलेटेड थी नेक्स्ट है जी हमारी प्रॉब्लम नंबर थ्री पॉइंट सेवन एन इलेक्ट्रॉन एम इज इक्वल टू नाइन पॉइंट वन टू टेन डेज टू पार माइनस थर्टी वन किलोग्राम मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना ही आपको खुद भी याद होना चाहिए ट्रेवलिंग एट दिसर गोज अड ऑन क्वियन विद्रोजन एटम हाइड्रोजन ऐटम का ये मैस जी विच इज इनिशियली एट रेस्ट अब जो हाइड्रोजन एटम है वो सेकेंड मैस है तो वो इनिशियली रेस्ट पर इसका मतलब है इसकी विलोसिटी यानी वी टू क्या हो जाएगी जीरो और वी वन की ये वैल्यू होगी रिज्यूमिंग दुलफेक्टली इलास्टिक एंड अ मोशन टू बी अलॉन्ग अस्ट्रेट लाइन फाइंड दलोसिटी ऑफ द हाइड्रोजन एटम अब स्टूडेंट्स आपने हाइड्रोजन एटम यानी V2 प्राइम जो है फाइंड आउट करनी है और आपको पता है जब कोई हैडन कोलियन होता है तो आफ्टर कुलियन V1 प्राइम वी टू प्राइम की क्या वैल्यूज होंगी वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं चैप्टर में आ, उसको यहाँ पे अप्लाई करके हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन डाटा लिखें एम वन मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो ये था अच्छा वी वन मैस इलेक्ट्रॉन की जो विलोसिटी है वो ये थी एम टू क्या है हाइड्रोजन का मैस है उसका मैस गिवन है और हाइड्रोजन एटम जो है इनिशियली रेस्ट पे था उसकी वेलोसिटी क्या होगी जीरो होगी तो वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन एटम आफ्टर कोलियन जो है आपने फाइंड आउट करनी है यानी वी टू प्राइम कैलकुलेशंस में आप यूज करेंगे इक्वेशन वी टू प्राइम इज इक्वल टू एम वन वी वन ओवर एम वन प्लस एम टू प्लस एम वन एम टू माइनस एम वन ओवर एम वन प्लस एम टू इंटू टू बट वी टू क्या थी जीरो थी तो ये यहाँ पे जब आप जीरो पुट करेंगे ये सारा फैक्टर हो जाएगा जीरो और ये हो गया खत्म यहां तक रह जाएगा यानी वी टू प्राइम इज इक्वल टू टू एम वन वी वन ओवर एम वन प्लस एम टू सबसे चूटिंग वैल्यूज वही है वी टू प्राइम इज इक्वल टू टू एम वन की वैल्यू पुट कर दें फिर v1 की वैल्यू पुट कर दें थ्री मीटर पर सेकेंड नीचे आपने दोनों मैसेज को ऐड करके लिखना है यानी इलेक्ट्रॉन का मैस और हाइड्रोजन एटम मै, का मैस दोनों के मैसेज को ऐड करके लिखा तो ये बन जाएगा अब इस पूरे को आप जब सॉल्व करेंगे तो एंड पे आपके पास आंसर आएगा वी टू प्राइम इज इक्वल टू टू पॉइंट टू इंटू टेन डेज टू पार फोर सातवी यूनिट सागे इसके मीटर पर सेकेंड तो ये थी आपकी हाइड्रोजन एटम की वेलोसिटी जो कि आफ्टर है जो हाइड्रोजन एटम इतनी के साथ मूव करेगा 2.2 पॉइंट टू इन टू टू पर फोर मीटर पर सेकेंड नेक्स्ट है जी प्रॉब्लम नंबर 3.8 पॉइंट एट्रक वेटिंग ट्रक का जो मैस है वो है ट्वेंटी विद स्टेशनरी कार वजेंड किलोग्राम अब एक ट्रक है जिसका बहुत ज्यादा ट्वेंटी फाइव हंड्रेड किलोग्राम वो एक मीटर पर सेकेंड के साथ मूव कर रहा है और एक स्टेशनरी कार जिसका के मैस जो है वो ट्रक के मैस से कम है उसके साथ क्लाइड करता है और कार जो है इनिशियल एटरेस्ट है द्रक एंड द कार मूव टूगेदर आफ्टर इम्पैक्ट कैलकुलेट देर कॉमनसिटी अब जो ट्रक है और कार आफ्टर कुलियन इन्होंने इकट्ठे मूव करना शुरू कर दिया तो आपको इनकी कॉमन वेलोसिटी जो है फाइंड आउट करनी है आप लिखेंगे जी एम वन ये है V1 गिवन है सारा कुछ एम टू ये होगा वी टू इनिशियली कार रेस्ट पे थी वी तो टू क्या हो जाएगी जीरो कंबाइंड वेलोसिटी आफ्टर कुलियन आपने फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पे भी आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करेंगे टोटल मोमेंटम बिफोर कुलियन क्या था एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू तो एम वन की ये वैल्यू वी वन पुट करें एम टू और वी टू जीरो तो टोटल मोमेंटम आपने बिफोर कुलियन जो है वो निकाल दिया अब टोटल मोमेंटम आफ्टर कुलियन अब आपने निकालना है तो चूंकि दोनों चीजें सेम विसिटी कॉमन विलोसिटी के साथ मूव कर रही हैं तो v1 वन प्राइम और v2 टू प्राइम को हम एक ही नाम देंगे v और m1 वन प्लस एम को अंदर रखेंगे और v जो है दोनों की सेम है तो इसको कॉमन निकाल लेंगे तो फाइनल मोमेंटम में 2500 मास को 1000 किलोग्राम मास में ऐड करके ये हमारा आ गया फाइनल मोमेंटम 3500 किलोग्राम इनटू वेलोसिटी अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन आफ्टर टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन के इक्वल होगा तो दोनों को जब आपने इक्वल पुट किया ये बिफोर कोलिजन था और ये आफ्टर कोलिजन है दोनों को जब आपने पुट किया तो स्टूडेंट्स आपके पास वेलोसिटी की वैल्यू आ गई ऊपर ये वैल्यू आ जाएगी नीचे ये तो आपके पास कॉमन जो वेलोसिटी है ट्रक की और कार की वो आ जाएगी फिफ्टीन मीटर पर सेकेंड नेक्स्ट है जी हमारा प्रॉब्लम नंबर थ्री पॉइंट नाइन टू ब्लॉक्स ऑफ मैसेज टू किलोग्राम एंड जीरो पॉइंट फाइव जीरो किलोग्राम आर अटैच्ड एट द टू एंड्स ऑफ अ कंप्रेस्ड स्प्रिंग यानी एक कंप्रेस्ड एक स्प्रिंग है जिसको कंप्रेस किया गया और उसके दोनों एंड्स पे दो मैसेज अटैच किए गए हैं एम वन है टू किलोग्राम का और एम टू है जीरो पॉइंट फाइव किलोग्राम यानी हाफ के जी का है द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग इज टेन जाउल अब जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई हुई है स्प्रिंग के अंदर वो क्या है टेन जाउल है फाइंड द वेलोसिटीज ऑफ द ब्लॉक्स इफ द स्प्रिंग डिलीवर्स इट्स एनर्जी टू द ब्लॉक्स व्हेन इट इज रिलीज्ड अब इनिशियली तो दोनों रेस्ट पे पड़े मैं क्योंकि स्प्रिंग कंप्रेस है उसके पास पोटेंशियल एनर्जी की ये वैल्यू है आपने अब वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक वन और वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक टू निकालनी है जब उस आपने स्प्रिंग को रिलीज़ किया तो जो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर थी वो मिल जाएगी किसको दोनों ब्लॉक्स को आफ्टर दे आफ्टर द रिलीज ऑफ स्प्रिंग तो आपने लिखा मैथ एम वन मैथ एम टू पोटेंशियल एनर्जी देन आपने आपनेटी ऑफ फर्स्ट ब्लॉक और ऑफ ब्लॉक आफ्टर रिलीज जो है वो दोनों फाइंड आउट करनी है अच्छा कैलकुलशन में आप किस तरह से करेंगे आपको पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग टोटल काइनेटिक एनर्जी किसी भी बॉडी की टोटल पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होती है अगर हम काइनेटिक एनर्जी को लिखें दो मैसेज हैं तो टू मैसेज की टर्म्स में टोटल काइनेटिक एनर्जी को ऐड कर देंगे वन बाय टू फर्स्ट मैच की होगी वन बाय टू एम वन वी वन स्क्वायर प्लस वन बाय टू एम टू वी टू स्क्वायर इज इक्वल टू टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगी जी टेन जाओल अब आपने क्या करना है वैल्यूज को सब्सिट्यूट करना है एम वन की वैल्यू को पुट करें वी वन विलासिटी आपने निकालनी है प्लस वन बाय टू इंटू एम टू की वैल्यू पुट की वी टू आपने निकालनी है सात टोटल पोटेंशियल एनर्जी आ गई टेन जाओल यहाँ से टू को लें आप एलसीएम ले लें और टू को इधर मल्टीप्लाई कर दें ये बन जाएगा ट्वेंटी और ऊपर ये वाली सारी टू के जी इन टू वी वन प्लस जीरो पॉइंट फाइव के जी इन टू वी टू मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय फोर वी हैव अब इस साइड को भी इस साइड को भी आपने फोर से मल्टीप्लाई कर सॉरी टू से मल्टीप्लाई करना है इसको टू से मल्टीप्लाई किया ये बन गया फोर के जी इसको किया टू से तो ये बन गया वन के जी इसको टू से किया ये बन गया फोर्टी जावल ठीक हो गया जी अब आपने क्या करना है यहां से आपने किलोग्राम कॉमन ले लेना है अंदर बचा फोर वी वन स्क्वायर यहां से क्या बचेगा v2 टू स्क्वायर के जी कॉमन ले लिया यहां आपने के जी को के जी से कैंसिल कर देना है तो आपके पास बचा फोर वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर इज इक्वल टू तो फोर्टी मीटर स्कौर, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर अच्छा जी फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपको पता है इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के इक्वल होगा चूँकि पहले जो स्प्रिंग था वो कम्प्रेस था और रेस्ट पे था तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा जीरो फाइनल मोमेंटम होगा एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू सबसे वैल्यूज वो हैव एम वन की वैल्यू पुट करें और एम टू की वैल्यू पुट करें यहाँ से आप क्या करेंगे इस साइड को जीरो यहाँ से आप किसी एक विलॉसटी की वैल्यू निकाल लें आपने वी टू वाले टर्म को इधर ले जाएं या वी टू को इधर रहने दें वी वन वाली टर्म को उधर ले जाए यानी वी वन वाली क्या हो जाएगी माइनस के साथ हो जाएगी ठीक हो गया तो यहाँ आपके पास आया जीरो पॉइंट फाइव के जी इंटू वी टू इज इक्वल टू टू के जी माइनस टू के जी इंटू वी वन दोनों साइड्स को टू से मल्टीप्लाई करें ये जीरो पॉइंट फाइव टू से मल्टीप्लाई होकर वन के जी बन जाएगा साथ वी टू एज इट इज आ जाएगा ये हो जाएगा माइनस फोर के जी इंटू वी वन के जी को के जी से यहाँ कैंसिल कर दें तो आपके पास वी टू की वैल्यू आएगी माइनस फोर वी वन जिसको अब आपने इस इक्वेशन के अंदर पुट करना है इक्वेजन नंबर वन के अंदर <coughs> यानी वी टू इज इक्वल टू माइनस फोर वी वन आ गया बाई सू ऑफ इक्वेजन वन थे आपके पास फोर वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायेर था वी टू की जगह आपने माइनस फोर वी वन स्क्वायर एड कर दिया इज इक्वल टू फोर्टी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर अब इसका स्क्वायर ओपन किया तो फोर का स्क्वायर सिक्सटीन और वी वन का स्क्वायर अब सिक्सटीन प्लस फोर कितना होता है ट्वेंटी ट्वेंटी वी वन स्क्वायर इज इक्वल टू फोर्टी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से वी वन स्क्वायर इज इक्वल टू ये ट्वेंटी को फोर्टी के साथ जब आपने किया कैंसिल तो टू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा यहां से अब चूंकि हमें ये स्क्वायर है हमें विदाउट स्क्वायर चाहिए तो हम दोनों साइडों पर क्या करेंगे अंडर रूट ले लेंगे तो विलोस्टी की वैल्यू आपके पास फर्स्ट वन वाले ब्लॉक की विलोस्टी आ जाएगी वन पॉइंट फोर मीटर पर सेकेंड ठीक हो गया अब वी वन की वैल्यू जो की आपने निकाल ली है यहाँ वी वन की वैल्यू पुट करें तो आपके पास यहाँ से वी टू आ जाएगी सबसे माइनस फाइव पॉइंट सिक्स मीटर पर सेकेंड तो अब विलोसिटी तो शो कर रही है कि एक विलोसिटी नेगेटिव है यानी दोनों ब्लॉक जो है एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं फर्स्ट ब्लॉक जो था उसकी वेलोसिटी है 1.4 मीटर पर सेकेंड और सेकेंड ब्लॉक की वेलोसिटी है माइनस का 5.6 मीटर पर सेकेंड जिस वाले ब्लॉक का मैस कम था उसके पास वेलोसिटी ज्यादा आई नेक्स्ट है आपके पास प्रॉब्लम नंबर 3.10 प्रॉब्लम नंबर 3.10 की जी स्टेटमेंट है अ फुटबॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद एन एंगल ऑफ थर्टी डिग्री विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजोंटल टू थ्रो अ फोर्टी मीटर पास व्हाट मस्ट बी दी इनिशियल स्पीड ऑफ दी बॉल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 30 डिग्री दिया गया है आपको रेंज बता दी गई है 40 मीटर यानी हॉरिजॉन्टल रेंज है ना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है तो इसका मतलब ये रेंज होगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको पता है नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के इक्वल होगा आपने इनिशियल स्पीड ऑफ दी बॉल निकालनी है कि इसको कितनी स्पीड दें कि ये इतनी रेंज कवर करे तो इनिशियल वेलोसिटी आपने निकालनी है आप रेंज का फार्मूला यूज करें आर इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर ओवर जी साइन टू थीटा रेंज की जगह फोर्टी मीटर बी आई स्क्वायर आपने कैलकुलेट करना है जी की वैल्यू पुट करें साइन टू थीटा की जगह थर्टी तो थर्टी मल्टीप्लाई टू सिक्सटी डिग्री यानी साइन सिक्सटी डिग्री हो जाएगा यहाँ पे और बाकी सारी टर्म्स को आप उधर ले जाकर एडजस्ट करें इसको वी आई को एज इट इज़ रहने दिया ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन सिक्सटी इस पर डिवाइड हो जाएगा तो फोर्टी मीटर को नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करें और साइन सिक्सटी की वैल्यू आई है आपके पास जीरो पॉइंट एट डबल सिक्स इसके ऊपर डिवाइड करें तो आपके पास बॉल की इनिशियल वेलॉसिटी आ गई ट्वेंटी वन मीटर पर सेकेंड यानी अगर आप बॉल को इनिशियल वेलोसिटी 21 मीटर पर सेकंड प्रोवाइड करेंगे तो वो 40 मीटर रेंज जो है वो कवर करेगा ये थी आपकी प्रॉब्लम नंबर टेन स्टूडेंट्स नेक्स्ट है आपके प्रॉब्लम नंबर इलेवन अ बॉल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ हाइट ऑफ टेन मीटर विद वसिटी ऑफ 21 मीटर पर सेकंड यानी आपको एक वर्टिकल हाइट दे दी गई जिसकी वैल्यू है 10 मीटर वाई को आप लिखेंगे 10 मीटर इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल हॉरिजॉन्टल जो है वी आई एक्स यानी इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इनिशियल विलॉसिटी का वो है ट्वेंटी वन मीटर पर सेकेंड हाउ फार ऑफ इट हिट्स द ग्राउंड एंड वट एंड विद वट वेलोसिटी यहां पे अब आपने क्या फाइंड आउट करना है एक तो आपने डिस्टेंस के हाउ फार कितना दूर तक ये जाएगा और दूसरा कितनी वेलोसिटी के साथ जाएगा उसकी वेलोसिटी निकालनी है तो स्टूडेंट्स आपने हाइट पुट की बाय इज इक्वल टू टेन मीटर आपने इनिशियल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो कि गिवन है वो लिखा ट्वेंटी वन मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट जो होता है वो होता है जीरो अच्छा अब आपने डिस्टेंस और वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है तो आप यूज़ करेंगे द फर्स्ट यूजिंग द फर्स्ट थिंग इज़ टू फाइंड द टाइम टू रीच द ग्राउंड फ्रॉम वर्टिकल फॉल यूजिंग द इक्वेशन आपने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करके पहले टाइम निकालना है कि कितना टाइम लगा इतनी सारी डिस्टेंस को कवर करने के लिए तो आप सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे जो कि है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस वन बाई टू जी टी स्क्वायर चूँकि अब आपने टोटल हाइट को देखना है तो आप इसको वाई की टर्म में लिखेंगे तो एस को आपने लिख दिया वाई वी आई के साथ आप लगा देंगे वाई क्योंकि आपने हर चीज़ को वाई कंपोनेंट में लिखना है मल्टीप्लाई बाय टाइम प्लस वन बाई टू एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्टिकली ए जो होता है उसको हम जी पुट करते हैं इनटू टू टी स्क्वायर अच्छा नेक्स्ट स्टेप में आपने वैल्यूज़ पुट करनी है y की वैल्यू है 10 मीटर इंटू इनिशियली वेलोसिटी का जो y कंपोनेंट होता है वो है जीरो प्लस वन बाई टू जी की जगह 9.8 पुट करें टाइम आपने कैलकुलेट करना है इस 9.8 को टू पर डिवाइड किया तो 4.9 बन गया यहाँ से टाइम स्क्वायर टाइम स्क्वायर को इधर रहने चाहिए इस टर्म को टेन पे डिवाइड कर दें तो यानी टेन ओवर फोर जब आपने किया तो आपके पास आ गया जो भी आंसर आया आपने उसका अंडर रूट लिया जब आपने अंडर रूट लेना है तो यहाँ से स्क्वायर खत्म हो जाएगा और टाइम आपके पास आ जाएगा 1.41 पॉइंट सेकेंड के इक्वल अब स्टूडेंट्स आप टाइम जो है वो कैलकुलेट कर चुके हैं अब आप जो है डिस्टेंस निकाल सकते हैं और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x इज इक्वल टू वी आई एक्स इन टी होता है अब वी आई एक्स आपको गिवन है 21 मीटर पर सेकेंड टाइम आपने यहाँ कैलकुलेट किया 1.41 पॉइंट तो आपके पास आ गया हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस थर्टी मीटर नेक्स्ट आपने क्या करना है विलॉसटी कैलकुलेट करनी है तो विलॉसटी के लिए आपके पास फाइनल विलॉसटी का एक्स कंपोनेंट भी होना चाहिए वाई कंपोनेंट भी होना चाहिए तो फाइनल वेलोसिटी के लिए वी एफ वाई इज इक्वल टू वी आई वाई प्लस जी टी यानी पहले आप फाइनल वेलोसिटी को वाई कंपोनेंट उसका निकालें वाई के टर्म में तो वी एफ वाई इज इक्वल टू वी आई वाई तो वैसे ही जीरो है जी और टी पुट किया तो वी एफ वाई जो है आपके पास आ जाएगा थर्टीन पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड अब जो वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो थ्रू आउट द फ्लाइट क्या रहता है कॉन्स्टेंट रहता है यानी जो वेलोसिटी का इनिशियल का एक्स कंपोनेंट था वही फाइनल का एक्स कंपोनेंट होगा तो इनिशियल का 21 मीटर पर सेकेंड था तो फाइनल का भी 21 मीटर पर सेकेंड था होगा अब आपके पास वेलोसिटी का फाइनल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट भी आ गया ये और एक्स कंपोनेंट भी आ गया अब आप टोटल वेलोसिटी जो है वो निकाल सकते हैं ये फॉर्मूला यूज़ करके यानी वी इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर प्लस वी वी एफ वाई स्क्वायर तो दोनों की वैल्यूज पुट करें इनका स्क्वायर करें, इनका करें, इनको ऐड उनका अंडर रूट लें। तो आपके पास जो वेलोसिटी है वो आ जाएगी 25 तो ये थी आपकी प्रॉब्लम नंबर थ्री पॉइंट इलेवन नेक्स्ट है आपकी प्रॉब्लम नंबर थ्री पॉइंट थर्टीन फाइंड देंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल फॉर विच इट्स मैक्सिमम हाइट इज एंड हॉर्जोंटल रेंज आर इक्वल आपने क्या करना है मैक्सिमम हाइट और हॉर्जोंटल रेंज किस एंगल पे इक्वल होंगे वो एंगल निकालना है स्टूडेंट्स आपको हाइट का फार्मूला भी पता है रेंज का फार्मूला भी पता है आपने दोनों को कर देना इक्वल दोनों को इक्वल किया आपने क्या होगा यहां से वी आई स्क्वायर वी आई स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया जी को जी के साथ कैंसिल कर दिया आपने यहां बचा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा ओवर टू यहां बचा साइन टू थीटा अब साइन टू थीटा जो है ये इस तरह इसको ओपन करते हैं इस फॉर्मूला को टू साइन थीटा थीटा तो इसकी जगह साइन टू थीटा की जगह आप लिखते हैं टू साइन थी कैंसल यहाँ पर साइन थीटा ओवर टू इज इक्वल टू टू कॉस थीटा इस टू को इधर ले जाएं जाए थीटा को इधर ले जाएं साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू टू टूर फोर हो जाएगा तो साइन ओवर कॉस इज इक्वल टू होगा टेन थीटा अब थीटा आपने निकालना है टेन को इधर ले जाए टेन इनवर्स ऑफ फोर जब आप लेंगे तो वो आएगा आपके पास सेवेंटी सिक्स डिग्रीज यानी कि ये जो थीटा है सेवेंटी सिक्स डिग्री इसके ऊपर हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल और रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल जो है दोनों सेम होंगी प्रॉब्लम नंबर थ्री पॉइंट फोरटीन जो है प्रूव दैट फॉर एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन विच एक्सीड और फॉल शॉर्ट ऑफ 45 डिग्री बाय इक्वल अमाउंट्स द रेंजेस आर इक्वल। यानी आपने ये प्रूव करना है कि कोई एक ऐसा एंगल है जो इक्वली 45 से एक्सीड करे या इक्वली इससे स्मॉलर हो तो उस एंगल के ऊपर जो रेंजेस हैं वो सेम आएंगी तो आप इस प्रॉब्लम को यूं सॉल्व करेंगे आपने लिए दो एंगल लेने हैं एक थीटा वन है फोर्टी फाइव प्लस फाइव यानी वो एंगल हमने क्या लिया है फाइव लिया है और दूसरा थीटा टू है जो के होगा फोर्टी फाइव माइनस फाइव यहाँ पे फाइव की वैल्यू जो है वो आपने एक ही रखनी है दोनों केसेस में तो phi की वैल्यू अगर आप ले लें फिफ्टीन डिग्री तो फोर्टी फाइव प्लस फिफ्टीन क्या होगा सिक्सटी डिग्री और फोर्टी फाइव माइनस फाइव क्या होगा थर्टी डिग्री अब इन दो एंगल्स पे आपने देखना है कि रेंज क्या आएगी सेम तो आप क्या करेंगे पहले आर वन निकालेंगे जिसमें हम थीटा वन पुट करेंगे यानी सिक्सटी डिग्री तो आर वन आपने निकाला वी आई स्क्वायर साइन टू थीटा वन ओवर जी वी आई स्क्वायर साइन टू थीटा की जगह इसकी ये वैल्यू पुट की अब फोर्टी फाइव प्लस फाइव किसके इक्वल है सिक्सटी के इक्वल है तो उसकी वैल्यू पुट करने दें टू इंटू सिक्सटी वन ट्वेंटी डिग्री हो जाएगा और साइन वन ट्वेंटी डिग्री क्या होगा जीरो पॉइंट एट डबल सिक्स जीरो का इक्ल होगा यानी वी आई आर वन जो रेंज है आपके पास आई वी आई स्क्वायर इंटू जीरो पॉइंट एट सिक्स सिक्स ओवर जी के इक्वल अब आपने निकालनी है आर टू रेंज तो आर टू रेंज के लिए आपने थीटा टू पुट करना है यहाँ और थीटा टू स्टूडेंट्स आपका क्या आया थर्टी डिग्री तो वी आई स्क्वायर साइन टू इंटू थर्टी टू इन टू थर्टी सिक्सटी डिग्री हो गया तो वी आई स्क्वेयर साइंस सिक्सटी डिग्री साइन सिक्सटी की वैल्यू आई आपके पास जीरो पॉइंट एट डबल सिक्स ओवर जी तो आप देख रहे हैं कि आर टू जो है वो आर वन के इक्वल है उसकी भी यही वैल्यू थी तो इसका मतलब है अगर कोई एंगल जो है फोर्टी फाइव से इक्वली एक्सीड करे और इक्वली इससे स्मॉलर हो तो उस उन दोनों एंगल्स के ऊपर क्या होगा उस एंगल के ऊपर क्या होगा रेंज जो है वो सेम आएगी और यहाँ पे हमने प्रूव करके भी देख लिया कि दोनों केसेस में आर वन और आर वन जो है वो आर टू के इक्वल आई है तो ये थी हमारी प्रॉब्लम नंबर थ्री पॉइंट फोर्टीन ये थी आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड है नेक्स्ट जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है